पब्लिक टीवी आपकी आवाज। बुधवार को प्रतापगढ़ के लालगंज में तैनात रहे उपजिलाधिकारी ज्ञानेंद्र विक्रम सिंह ने नायब नाजिर सुनील कुमार शर्मा की डंडे से पिटाई की थी, जिसके इलाज के दौरान शनिवार की रात जिला अस्पताल में मौत हो गई थी, जिसके बाद राज्य कर्मचारियों ने जमकर हंगामा किया था। इसके बाद आरोपी SDM ज्ञानेंद्र विक्रम सिंह सहित चार लोगों के खिलाफ धारा 302 में रिपोर्ट दर्ज की गई थी, जिसके बाद कर्मचारी नेताओं ने आरोपी SDM की गिरफ्तारी के साथ ही मृतक के परिवार को 50 लाख मुआवजे के साथ बेटे को सरकारी नौकरी देने की मांग की। लेकिन इसके बाद भी मामला शांत होता दिखाई नहीं दे रहा है। प्रदेश भर में कर्मचारी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। इसके साथ ही मुरादाबाद के कलेक्ट्रेट मुशायरा ग्राउंड पर सैकड़ों की तादाद में कलेक्ट्रेट कर्मचारियों ने इकट्ठा होकर विरोध प्रदर्शन किया और जल्द से जल्द आरोपी SDM की गिरफ्तारी की मांग की। मेरा नाम गोपी कृष्ण है, मैं यहाँ जिला मंत्री हूँ कलेक्ट्रेट कर्मचारी संघ शाखा मुरादाबाद का। आज आप क्यों धरना कर रहे हैं? आप एक सजग मीडिया कर्मी हैं, आप जानते हैं जिला प्रतापगढ़ में लालगंज तहसील में किन्हीं अज्ञात कारणों से किसी SDM को इतना गुस्सा आ जाता है कि वो अपने अधीनस्थ नायब नाजिर को बुलाता है, और ना केवल बुलाता है, अपने होमगार्डों से उसको पकड़वाता है और उसकी पीठ पर उसके पैर पर 30 से 35 डंडे मारता है। अगले दिन मीडिया कर्मियों के बीच में उसने जब नायब नाजिर ने अपनी शर्ट उतारी तो स्पष्ट रूप से चोटों के निशान उसकी पीठ पर दिख रहे थे। कम से कम 10 डंडे तो मैंने गिन लिए थे जो उसकी पीठ पर लगे हुए थे। वह कर्मचारी अपनी बात कहता रहता है, माफिया मांगता रहता है, सर मुझे छोड़ दो, मगर वो 3 होमगार्ड उसे पकड़े रहते हैं और वो SDM बेदर्दी से उसे मारता रहता है। उसकी हालत ख़राब हो जाती है, अगले दिन वो मीडिया कर्मियों को बताता है और मीडिया कर्मियों को बताने के बाद उसकी और हालत ख़राब होती है और फिर उसको अस्पताल में भर्ती कराया जाता है और 2 दिन बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। आज आप किसको क्या बनेंगे? हमारी मांग ये है, एक मांग हमारी मान ली गई कि उस SDM के विरुद्ध FIR लॉन्च हो गई, परंतु शासन अभी हमसे थोड़ी सी चालबाजियाँ खेल रहा है। बताया जाता है कि वो SDM फरार है। अब SDM भी एक ऐसे आदमी हो गए, एक सरकारी अधिकारी फरार हो गए हैं। जब तक पुलिस उस SDM को गिरफ्तार करके न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं कर देती, आज की तो ये केवल सांकेतिक हड़ताल है कि हम सांकेतिक हड़ताल पर बैठे हैं शासन को ये बताने के लिए कि यदि उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई तो ये खेल आगे भी बढ़ जाएगा। ये कर्मचारियों के आत्मविश्वास पर चोट है और इस चोट को कर्मचारी सहन करने वाला नहीं है, किसी भी कीमत पर सहन करने वाला नहीं है। और यदि उस SDM की गिरफ्तारी नहीं हुई और उसको न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया जाता तो प्रांतीय संघ की प्रत्येक कॉल पर, उसकी प्रत्येक कॉल पर हम कर्मचारी, जिले के कर्मचारी अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देंगे, अपने आत्मविश्वास पर चोट नहीं आने देंगे। हर कीमत पर उस SDM की गिरफ्तारी चाहिए, इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।